आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे लॉजिकल फंक्शन के बारे में। देखिए, लॉजिकल फंक्शन के बारे में बात करें तो इसमें फार्मूला हम लगाएंगे लॉजिक के हिसाब से। जैसे अधिकतर हम मॉल में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो हमको डिस्काउंट तो मिलता है लेकिन बहुत सारा कंडीशन होता है, तब जाके डिस्काउंट हमको प्राप्त होता है। ऐसा ऑप्शन होता है कि अगर आप 2,000 रुपये या 5,000 रुपये की खरीदारी करते हैं तो आपको 5% की डिस्काउंट मिलता है, या 10,000 के ऊपर की खरीदारी करते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलता है, या 20,000 से ऊपर की खरीदारी करते हैं तो 30% का डिस्काउंट मिलता है। तो इस केस में आज हम यही पता करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो डिस्काउंट पा सकते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। और इसमें केवल इफ फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा, केवल इफ फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। इसमें भी जैसे क्या होता है, जैसे बहुत सारे जो बड़े बड़े लेवल के बिजनेसमैन लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि लकी ड्रा भी कराते हैं। इसमें मान के चलिए कि जैसे जो है, जो ऐसा इम्प्लाई है या सॉरी ऐसा कस्टमर है जो अगर मान के चलिए कि रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर वो खरीदारी किया है, अगर वो शामिल होता है अवार्ड वाले में, तो उसको भी कंपनी के तरफ से अवार्ड दिया जाता है। तो उसमें भी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि कोई ऐसा कस्टमर है जो 40,000 रुपए से ऊपर की खरीदारी किया होगा, तो उसको हम लैपटॉप देना चाहते हैं गिफ्ट के तौर पे। मान के चलिए कि फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, फिर ऐसा भी ऑफर आता है कि मान के चलिए कि कोई ऐसा कस्टमर है जो 30,000 से ज्यादा और 30,000 के बराबर अगर खरीदारी किया है तो उसको हम स्मार्टफोन देना चाहते हैं, या कोई ऐसा कस्टमर है जो 20,000 से ज्यादा खरीदा हो या 20,000 के बराबर खरीदा हो तो उसको हम साइकिल गिफ्ट करना चाहते हैं मुझे, और बाकी सबको मेडल देना चाहते हैं। तो इसके लिए इसमें अवार्ड भी आपको निकालना सीखना, यानी कि हम इसमें डिस्काउंट के साथ साथ अवार्ड भी निकालना सीखेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक डेटाबेस मैंने बनाया है, इसमें कस्टमर का नाम मैंने लिखा है और टोटल बिल मैंने लिखा है और डिफरेंट प्रोडक्ट मैंने लिखा है, और यहाँ से आपका फार्मूला लगता है। चलिए इसको हम पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, इसमें बताया जा रहा है मोहन, कस्टमर ने में क्या लिखा है मोहन, ये 50,000 रुपया मार्केट में लेके जाते हैं तो मात्र ये 10 प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि प्रोडक्ट अगर महंगा होता है तो ज्यादा पैसा देने पे प्रोडक्ट हमको कम मिलता है, बोलिए, और प्रोडक्ट सस्ता होता है तो कम ही पैसा देने पे प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, ऐसा है ना। तो जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम मैंने टाइप नहीं किया कि कौन कौन सा प्रोडक्ट इन्होंने परचेज किया है, हाँ प्रोडक्ट की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ कि ये 50,000 रुपये लेके गए तो इनको 10 प्रोडक्ट मिला है, और ये 4,999 रुपया लेके गए तो 5 प्रोडक्ट मिला है, और ये भी 4,000 रुपये लेके गए तो 4 प्रोडक्ट मिला है, और 30,001 रुपये लेके गए तो 8 प्रोडक्ट मिला है, और 45,000 लेके गए तो 9 प्रोडक्ट मिला है, और यही 45,000 लेके गए तो 12 प्रोडक्ट मिला है। अब देखिए, इसमें पहला कंडीशन दिया जा रहा है, कह रहा है कि इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन 55,000 डिस्काउंट 10%। मतलब यदि कोई ऐसा कस्टमर है जो 5,000 से ज्यादा की खरीदारी किया हो तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। कितना परसेंट? 10% का डिस्काउंट मिलना चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया होगा। तो इसके लिए जो हम फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रेकेट ओपन करेंगे। अब चूंकि कस्टमर बिल की बात हो रही है तो सिलेक्शन कस्टमर बिल को करेंगे ना, पुनः हम यहाँ से क्या करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, और कितना, 5,000 से ऊपर। इस पूरे वैल्यू में वही वैल्यू कैप्चर करेगा जो 5,000 से ऊपर होगा, यानी कि अगर मैक्सिमम 5,000 तक भी है तो भी उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और पुनः नीचे कॉमा दे दीजिए, और डबल डेटेड कॉमा में आपको देना है कै परसेंट, 10%। यदि कोई ऐसा कस्टमर है जो 5,000 से ऊपर की खरीदारी किया हो उसको कंपनी के तरफ से डिस्काउंट मिला है कै परसेंट, 10%। अदरवाइज कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलता है, कोई ऐसा कस्टमर नहीं मिलता है तो उसको मिल जाए 0%। अगर चूंकि आप 0% नहीं देंगे तो प्रॉब्लम ये होगा, उसमें फॉल्स लिख करके आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। इसलिए अगर आपको 10% नहीं देना है तो आप यहाँ पे 0% भी दिखा सकते हैं, ये उसके लिए 0% है जिसका सेल, जिसका प्राइस अमाउंट, यानी कि जिसका बिल अमाउंट
5,000 से कम हो। 5,000 से ज्यादा रहेगा तो 10 मिलेगा ना, 5,000 से कम रहेगा तभी तो 0 मिलेगा ना। अगर 5,000 से ऊपर है तब तो उसको मिल जाएगा कितना परसेंट, 10%। अगर 5,000 से 1 रुपया भी कम होगा या 5,000 तक भी होगा तो भी 0% मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन दिया है ग्रेटर देन 5,000, यानी कि 5,000 से ऊपर। अगर 5,000 एक है तो 10% मिल जाएगा, 4,999 तो 10% नहीं मिलेगा, 5,000 तक भी है तो भी 10% नहीं मिलेगा, केवल 5,001 रुपया हो जाएगा तो 10% इसको मिल जाएगा। कोई दिक्कत? किसको किसको 10% मिलेगा बताइए। तो पांच देखिए इसमें 10% किसको किसको मिलेगा, तो 10% मोहन को मिल जाएगा, हजार हाँ, और पंकज को मिल जाएगा 10%, राज को मिल जाएगा 10%, और आकाश को मिल जाएगा 10%। क्यों? क्योंकि इनका जो टोटल बिल है वो 5,000 से ऊपर है, इसलिए 10% मिला हुआ है। और इन दोनों लोगों को 0 क्यों मिला है, तो इन लोगों का 5,000 से कम है, ये मात्र 4,999 है, इनका मात्र 4,000 है, तो कहाँ से 10% मिलेगा। अगर 5,000 1 रुपया होता तो 10% मिल जाता। अब चलिए, अब आपको दूसरा ऑप्शन के बारे में समझना है। इस ऑप्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए दूसरा ऑप्शन के बारे में बताते हैं। इसमें केवल इफ फार्मूला है और कोई फार्मूला है नहीं इसमें। अगला दिया है इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन 10,000 आर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 डिस्काउंट 20%। मतलब इसमें दो कंडीशन दिया है और बीच में आर का सिंबल दे दिया है। आर का मतलब होता है या, मतलब दोनों में कोई भी एक केस मैचिंग करना चाहिए, या तो टोटल बिल का मैच करे या तो प्रोडक्ट का मैच करे। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि आर दिया हुआ है, आर का मतलब होता है या। दो कंडीशन मैंने दिया, उसमें से कोई सा भी ये कंडीशन मैच करेगा तो 20% मिल जाएगा। कंडीशन क्या है? तो कोई ऐसा कस्टमर है जो 10,000 से ऊपर की खरीदारी किया, या 5 प्रोडक्ट से ज्यादा खरीदा हो या 5 के बराबर खरीदा हो, तो उसको मिलेगा 20%। मतलब अगर प्रोडक्टों की संख्या 5 के बराबर या 5 से ऊपर है तो भी 20% मिल जाएगा। अगर 5 के बराबर हो या 5 से ऊपर हो तो भी क्या परसेंट, 20%। या 10,000 से ऊपर की खरीदारी किया हो या, तब जाकर के उसको 20% मिलेगा। तो दो कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन मैचिंग होना चाहिए, कोई भी एक कंडीशन मैचिंग होना चाहिए, तो किसको किसको 20% मिलेगा। मोहन को मिलेगा, मोहन को मिल जाएगा, सोहन को भी मिल जाएगा, हाँ, कृष्णा को छोड़ करके सबको मिल जाएगा। क्या सोहन कस्टमर बिल पे चला जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा, आर लिखा हुआ है, हाँ नहीं मिले, लेकिन अगर प्रोडक्ट्स को लेंगे तब ना मिलेगा। मिलेगा। कोई भी दोनों में एक मैचिंग करेगा, हम फार्मूला दोनों लेंगे ना, तो दोनों में कोई भी एक मैचिंग करेगा 10% में 20% मिल जाएगा। इसमें देखिए आप ध्यान से समझिए, इसका जो अमाउंट है 4,000, अमाउंट कितना है, लेकिन क्राइटेरिया में मैंने लिखा है कितना अमाउंट। मैचिंग किया नहीं, मैचिंग किया, मैचिंग क्या किया, प्रोडक्ट भी मैचिंग नहीं किया, क्योंकि प्रोडक्ट की संख्या भी मैंने 5 के बराबर या 5 से ऊपर लिखा है, तो जब दोनों मैच कर ही नहीं रहा तो मिलेगा क्या। अब यहाँ पे देखिए, मैच किया, बोलिए 10,000 से ऊपर है, मैच क्या किया, क्योंकि 5 के बराबर, तो 5 के बराबर है 5, 20% मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों केस में, जब दोनों केस मैच ही नहीं करेगा तो मिलेगा क्या, दोनों केस में, जब दोनों केस नहीं मैच करेगा तो मिलेगा क्या। दोनों केस में कोई भी तो एक केस मैच करना चाहिए, जैसे इसका मैच किया है, ये 5 के बराबर प्रोडक्ट खरीदा है तो 20% का डिस्काउंट इसको मिल जाएगा, लेकिन वही अगर कम प्रोडक्ट कर दिया है, एक प्रोडक्ट और बढ़ा लिया होता तो इसको भी 20% मिल जाता। समझ में आ रहा है ना? तो इसके हिसाब से कंडीशन देना, क्योंकि आर का मतलब होता है या, मतलब दो कंडीशन आपको दिया गया, कोई भी अगर एक कंडीशन भी फॉलो होता है तो भी जो है उसको 20% मिल जाता है। तो चलिए इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, इसके लिए भी इफ का ही फार्मूला लगेगा, यानी कि सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहां पर लिखेंगे इफ ब्रेकेट। अब चूंकि एक और फार्मूला है, कौन सा,
आर वाला, तो इसमें आर वाला भी जोड़ दीजिए और तब जाके पुनः ब्रेकेट ओपन करिए। एक तो इफ लगाते ही आ रहे हैं और आर का मतलब या देने के लिए, मतलब या तो कस्टमर बिल या तो टोटल प्रोडक्ट। अब चलिए, अब पहला क्या दिया है, सिलेक्शन किसको करेंगे, कस्टमर बिल को सिलेक्शन करेंगे और ग्रेटर देन कितना 10,000। ठीक है, पुनः नीचे कामा। अब सेकंड क्राइटेरिया क्या दिया है, प्रोडक्ट के लिए दिया है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट को सिलेक्शन करेंगे। अब ग्रेटर देन इक्वल टू कितना लिखेंगे, पांच, प्रोडक्टों की संख्या 5 के बराबर या 5 से ज्यादा, कोई भी एक केस मैच आपका करना चाहिए। और यहां से हम ब्रेकेट क्लोज कर देंगे। ब्रेकेट क्लोज इसलिए करेंगे क्योंकि अभी मैंने केवल क्राइटेरिया दिया है, अब जाकर किसको हम बताएंगे कि डिस्काउंट का परसेंट मिलेगा। तब पुनः नीचे कॉमा और एडवांटेड कॉमा में 20%, पुनः नीचे कॉमा अदरवाइज 0%। कोई दिक्कत किसी को, फार्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए किसी को। चलिए पहले एंटर तो करने दीजिए। देखिए यहाँ पे 20% आ गया। अब देखिए इसमें 0% किसकी वैल्यू हम लोग फिक्स किए थे, कृष्णा का। देखिए 0% मिला है, मतलब क्या है, ना तो इसमें प्रोडक्ट मैच कर रहा है और ना तो टोटल बिल मैच कर रहा है। और क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि दोनों में अगर कोई भी एक मैच करेगा तभी जाके 20% मिलेगा। एक बार और समझ लीजिए इसको। देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रेकेट ओपन करेंगे, आर लिखेंगे, ब्रेकेट ओपन करेंगे, सिलेक्शन किसको करेंगे, क्योंकि पहले तो बिल ही मांग रहा है ना, तो पहले टोटल बिल को सिलेक्शन करेंगे और तब जाकर के ग्रेटर देन कितना, हाँ 10,000। अच्छा सॉरी, केवल एक ही करना है, मैंने डबल से यहाँ पे बस एक ही लेना है। और तब जाके ग्रेटर देन कितना देना है, 10,000। पुनः नीचे कॉमा करना है। अब अगला ऑप्शन दिया है किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट को ही सिलेक्शन करेंगे। अब ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 5। अब तब जाके ब्रेकेट क्लोज करेंगे। अभी तक तो मैंने केवल फार्मूला लिखा, अब हम कंडीशन देने जा रहे हैं कि इसको मिलना कितना चाहिए, 20%। अगर ऐसा कोई वैल्यू फॉलो करता है तो 20% मिले, अदरवाइज उसको मिल जाए क्या परसेंट, 0%। कोई दिक्कत, बोले किसी को कोई प्रॉब्लम, सबको समझ में आया, पीछे पीछे सबको समझ में आया। चलिए अब आप लोग बताइएगा हम फार्मूला लिखेंगे, समझ में आया है ना। ठीक है, अगला लिखा हुआ है, अगला पॉइंट देखिए, ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है। अगला पॉइंट इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि यदि कस्टमर का बिल 20,000 से ज्यादा हो और प्रोडक्टों की संख्या 10 के बराबर हो और 10 से ज्यादा, तब जाकर के 30% मिलेगा, तो कैसे फार्मूला लगेगा। बस आर की जगह पे एंड रख देंगे, बाकी सेम फार्मूला वही रहेगा। लेकिन आप ये चीज क्लियर करिए, क्योंकि इसमें एंड की बात हो रही है, एंड का मतलब होता है और, यानी कि जब तक दोनों केस मैच नहीं करेगा तब तक 30% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पहले तो आर रखे थे, तो आर में मान के चलिए कि अगर फर्स्ट वाला मैच करता था तो मिल जाता था, सेकंड वाला मैच करता था तो भी मिल जाता था, लेकिन इसमें जब तक दोनों केस आपका मैच नहीं करेगा तब तक 30% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। चलिए सबसे पहले इक्वल, यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रेकेट ओपन करेंगे। अब सबसे पहले किसको सिलेक्शन करें, टोटल बिल को, और ग्रेटर देन कितना, 20,000। हाँ सॉरी, एंड का सिंबल भी लगाना, सिंबल नहीं एंड लिखना है। अब सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे किसको, टोटल बिल को, और ग्रेटर देन कितना ले लेंगे, 20,000। अभी पहले के लिए कंडीशन था 10,000 रुपया, अब इसके लिए कंडीशन आ गया क्या, 1,000 रुपया, क्योंकि कस्टमर के लिए डिस्काउंट जब बढ़ रहा है तो बिल अमाउंट भी तो बढ़ेगा। बोलिए पुनः नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से सिलेक्शन करेंगे किसको, प्रोडक्ट, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट को सिलेक्शन करेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 10। इसके लिए कितना था, 5 था ना, इसके लिए कितना हो गया, 10 के लिए हो गया। अब यहां से ब्रेकेट क्लोज कर दें, पुनः नीचे कामा करेंगे और एडमिटेड कामा में क्या परसेंट, 30%, अदरवाइज 0%। कोई दिक्कत, ब्रेकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए।
जीरो किसको मिलेगा? यहां से लेकर के यहां तक जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में दोनों अगर मैच करेगा तभी तो मिलेगा। तो इसमें देखिए 10 प्रोडक्ट से वैसे कम है और अमाउंट भी यहाँ पे कम है, दो अमाउंट कम है, दो अमाउंट ज्यादा है। तो अमाउंट से लेना देना नहीं है जब तक दोनों केस मैच ना करे। देखिए कोई दिक्कत? अब चलिए अगला कंडीशन बताते हैं। अब अगला कंडीशन आता है अवार्ड के लिए। अब आपको अवार्ड प्रोवाइड करना, इसमें भी फार्मूला लगेगा और ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया भी है। इक्वल इफ ब्रेकेट ओपन, यदि किसी कस्टमर का टोटल बिल बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 40 से। यदि कोई ऐसा कस्टमर है जो 40,000 रुपये से ज्यादा खरीदारी किया है या 40,000 रुपये तक की खरीदारी किया है तो उसको कंपनी गिफ्ट में देना चाहती है क्या, लैपटॉप। ठीक है, पुनः नीचे कॉमा करते हैं, फिर इफ लिखते हैं। यदि किसी कस्टमर का बिल, कोई ऐसा कस्टमर है जो खरीदा है 30 के बराबर या 30 से ऊपर, तो उसको कंपनी देना चाहती है स्मार्टफोन। समझ में आ रहा है ना? फिर यहाँ पे नीचे कॉमा करते हैं, इफ लिखते हैं। यदि कोई ऐसा कस्टमर है जो 20,000 से ऊपर की खरीदारी किया हो या 20,000 के बराबर खरीदा हो तो उसको मिल जाए क्या, साइकिल। कोई दिक्कत? और बाकी कस्टमर को भी आप वैसे छोड़ देंगे, बुलाए हैं कंपटीशन में तो उसको भी कुछ मेडल दे दीजिए बेचारे को। क्यों, मिलना चाहिए ना। अब यहां से लिमिटेड कामा क्लोज, और 3 बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो 3 बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, लैपटॉप फर्स्ट में क्या आएगा, लैपटॉप। सेकंड में, सेकंड में मेडल आ जाएगा। थर्ड में मेडल, फोर्थ में स्मार्टफोन, और फाइव में स्मार्टफोन मिलाइए। सही है कि गलत है, यही फार्मूला सीखना था। आप फार्मूला छाप लीजिए। नहीं लिखवा दे रहे, बहुत बच्चे गलती कर देंगे, पता चलेगा यहाँ पे लिखा है B11 तो लिखेंगे B11, C13 तो लिखेंगे C13। ये नहीं समझे क्या सिलेक्शन किया गया, तो पता चलेगा कि वहां पे जाके CC खोजना मिल में नहीं करेगा। ऐसा।